जी हर जगह का स्वाद होता है वो होता है अलग अलग। और भाई अभी हम है वृंदावन में अटल्ला चुंगी चौराहे पर, और वहाँ पर है भाई ये बिरयानी का स्टॉल। और स्टॉल की बात की जाए तो भाई यहाँ पे बिरयानी मिलती है, वो मिलती है तौल के। तो भैया आपने देखा यार, आप तो तौल के खिला रहे हो यार, तौल के कौन खिलाता है बिरयानी? भैया यहाँ पर तौल की चलती है, तौल के चलती है। और बिना तौल के खिलाओगे तो आदमी नहीं खाएगा? नहीं खाएगा, विश्वास नहीं होता आदमी को यार कि कम दे दी ज्यादा दे दी है ना, ऐसा लगता है आदमी को। क्या रेट रहती है भैया? 30 रुपए की, 250 ग्राम, 120 रुपए किलो। अच्छा 120 रुपए किलो। तो भैया एक बार दिखाओ बिरयानी कैसी होती है, पूरा दिखा दो। खत्म है गई। तो दीपक भाई क्या क्या डालते हैं आप इसमें? ये ग्रेवी है चाप की, चाप की ग्रेवी है। हाँ। चाप दिखाओ जरा एक बार निकाल के। ये देखिए भाई बिरयानी के साथ चाप खिला रहे हो आप। हाँ। और ये टमाटर की चटनी है आपकी, ये वाली। अच्छा ये टमाटर की चटनी है, ये हरी चटनी पुदीने की, ये हरी चटनी है, ये रायता, इसके जैसा ये रायता। क्या बात है भाई, यार हर जगह का जायका अलग अलग टाइप का होता है। तो भाई देखिए दीपक भाई खिला रहे हैं तौल के, ये आ गई प्लेट और ये आ गया बिरयानी। और बिरयानी में क्या क्या आइटम है भाई? बिरयानी में सोयाबीन है, मटर है और राइस है। अच्छा भाई दो लगा। तो भाई ये यहाँ का अच्छा लगा कि लोगों को लगे कि यार कोई कम डाल रहा है, हमारे में कम रहेगी, हमारे में ज्यादा रहेगी, रट्टा ही नहीं है। ये देखिए 250 ग्राम हो गई बिरयानी। ये आगे मसाला, चाट मसाला, चाट मसाला। ये भुनी प्याज, ये भुनी प्याज, ये कच्ची प्याज है, ये कच्ची प्याज। ये मैगी मसाला। अच्छा मैगी मसाला। हाँ ये तो बनवाते हो गए? खुद बनाते हैं, खुद बनाते हो मैगी मसाला, क्या बात है भाई। और जी आगे चाप का मसाला। हाँ जी टमाटर चटनी, टमाटर चटनी, हरी चटनी, ये रायतो, ये रायता। यार इतने आइटम कौन डालता है, क्या करें? आप डालते हो? हम डालते हैं। ऊपर से आ गया ये सेब, ये पनीर आ गया, और ये पनीर भी दो दे दिया, 50 की। तो भैया लोग यहाँ पे आके खाते तो यही है, साथ में पैक भी करा के ले आते हैं अपनी घरवाली के लिए। क्यों घरवाली के लिए? हाँ। नहीं अच्छा शादी नहीं हुई, बिरयानी खाओ जल्दी हो जाएगी यार। ये दोस्त को लिए पार्टी शार्टी में ले जाते। अच्छा दोस्त की पार्टी शार्टी में। पैकिंग बहुत जाती है, पैकिंग ज्यादा जाती है। तो कौन सा चावल यूज करते दीपक भाई? डबल चावी, डबल चावी। बड़ा फेमस चावल है यार ये, इसका स्वाद ही अलग है, बात ही अलग है। और ये चाप वगैरह का क्या रेट रहता है दीपक भाई? चाप 20 रुपए की है, 20 रुपए की एक। अच्छा ये तो रेडीमेड बना लाते हो गए? ना चाप खुद बनाते हैं हम। बनाते हो? हाँ। अच्छा ये भी आप बनाते हो, इतना टैलेंट है, तभी पड़ता खाएगा। अरे भैया दो दो प्लेट खाओगे क्या? एक इसकी एक बार। अच्छा एक इसकी है, मुझे लगा इतनी टेस्टी लग रही है कि दो दो खा रहे हो आप। नहीं टेस्टी तो है। अच्छा हम पिछली बार आए थे तो काफी टेस्टी लगी, तो ढूंढते ढूंढते दोबारा आए। बेस्ट शानदार बिरयानी है, बिरयानी बेहतरीन खिलाता है। जो भी एक बार खाओगे तो एक बार उतर के यहाँ बैठ के फिर खा के जाओगे। एक बार एड्रेस ही बता दो, क्या एड्रेस होता है आपका? अटल्ला चुंगी वृंदावन आइए, अटल्ला चुंगी पे, बिहारी जी मोड़ पे, बिहारी जी मोड़ पे। और टाइमिंग क्या रहती है भैया? सुबह 8 बजे से लेके 1:30 बजे तक। आज 1:30 बजे तक। दीपक भाई की फेमस बिरयानी हमने लगवा ली है, आप देखो लोग कैसे खा रहे हैं, पिछली बार टेस्ट कर लेते हैं कैसा स्वाद है इनका। और जो असली खेल है ना वो इनके चाप के मसाले का है भाई, टेस्ट काफी अच्छा है। और जैसा कि हमने लोगों से भी जाना, यहाँ पे लोग आते हैं, लोकल वाले तो आते ही साथ में बाहर वाले भी आते हैं, जैसा कि हमारा एक ग्वालियर का भाई बंदा भी मिला, वो भी बता रहा है कि वो ढूंढते ढूंढते यहाँ पे आए हैं। तो आप अंदाजा लगा सकते हो कि इनका स्वाद कैसा है। और इस वीडियो को करते हैं यहीं पे फिनिश, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, गुड बाय।